हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश सिन्हा और आप देख रहे हैं डेली डूड्स। तो गाइज, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आपने देखा होगा कि मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जहां मैं लगातार लोगों से मिल रहा हूं और उनकी जो गार्डनिंग एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहा हूं कि आखिर उन्होंने कितना टाइम लगा गार्डनिंग को एक अच्छे लेवल तक पहुँचाने के लिए, और उनके वीडियोज़ मैं आपसे लगातार शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके भी गार्डनिंग लेवल थोड़ी अच्छी है और आपने बहुत सारे प्लांट्स लगा रखे हैं, तो आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर फोटोग्राफ्स शेयर कर सकते हैं, जिससे बातचीत करके मैं आपके घर भी विज़िट करूंगा और वहां भी वीडियो शूट करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहां पर आप मुझे मैसेजेस कीजिए, मैं आपके घर भी विज़िट ज़रूर करूँगा। तो आज आया हुआ हूँ दिल्ली में गगन विहार सुनीता जी के पास, जिन्होंने गार्डनिंग के क्लासेस लिया था प्रवीण मिश्रा जी से, जिनका नंबर डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। अगर आपको भी क्लासेस लेने हैं तो उनसे आप ले सकते हैं। तो इन्होंने लगभग 4 से 5 महीने में बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस किया है और बहुत ही अच्छे प्लांट्स ग्रो कराए हैं। कैबेज वगैरह देख के दिल खुश हो गया। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा कि आखिर इन्होंने क्या क्या खाद वगैरह यूज़ किया, क्या कॉम्बिनेशन रखा। अगर आपने देखेंगे तो आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सुनीता जी से, जो कि गगन विहार में रहती हैं। अच्छा सुनीता जी, आप अपने बारे में पहले कुछ बताइए। मैं अपना काम, वैसे मेरा बिजनेस हमारा है फैमिली बिजनेस, मैं वही लुक आफ्टर करती हूँ, और खाली टाइम जितना भी होता है बस सिर्फ गार्डनिंग, पौधे और मैं। तो गार्डनिंग कब से स्टार्ट किया आपने? गार्डनिंग एक्चुअली मुझे बचपन से था। हाँ। हमारे घर में भी ज़मीन थी तो लगे रहते थे, मतलब जैसे 6th 7th में थी जब मैं, 7th में तब से शुरू किया था। लेकिन उस ज़माने में हमें ऑर्गेनिक के बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर कुछ ये भी नहीं कि कोई खाद डालते थे, वो भी नहीं करते थे। हाँ, ज़मीन थी। हाँ, जो डालते थे वो उग जाता था। ये अच्छी बात, ये बड़ी अच्छी बात कमाल की थी। तो मुझे यही नहीं पता था कि खाद भी डालते हैं। फिर जब आए यहाँ पे तो यहाँ पे भी गमलों में हमने सब्जियाँ लगाना कभी छोड़ा नहीं, लगाते थे। अच्छा। लेकिन सब वो खाद वाद वो दवाइयाँ मेरे हस्बैंड लेके आया करते थे, वो उनको पता था तो वो ही सब डाला करते थे। तो फिर बीच में बहुत साल कुछ नहीं किया, उनके जाने के बाद में नहीं कुछ भी किया। तो अब ऑर्गेनिक के बारे में जब ये लॉकडाउन में काफ़ी वीडियोस देखी ना, तो फिर ऑर्गेनिक का सोचा कि नहीं, टेरेस गार्डन, इतना टेरेस तो हमारा भी है तो हम भी कुछ कर सकते हैं। फिर खुद कुछ शुरू किया। अच्छा। तो देख देख के यूट्यूब पे वीडियोस। बहुत मिट्टी ख़राब की, कुछ नहीं होगा। तो समझ में नहीं आता था कैसे होगा। फिर प्रवीण जी मिले। हाँ, अगस्त के महीने में शायद मुझे मिले। तो शुरू में जैसे उन्होंने बताया मिट्टी बनाने का, तो कोशिश तो करती रही, लेकिन काफ़ी मुझे लग रहा था कि मुझे ट्रस्ट भी नहीं हो रहा था कि ये हल्दी मिर्ची मिट्टी में, मतलब कैसे करेंगे ये इतना कीड़ा लग जाएगा। तो ये कैसे प्याज लहसुन के उसे घोल से कैसे जाएगा। फिर धीरे धीरे, फिर पहले काफ़ी उसमें भी थोड़ा धीरे डाला कि हाँ उसी से खूब डाले। अच्छा। शुरुआत में पर मैं जो पहले मिट्टी खराब कर चुकी थी उसको भी ठीक करने में मुझे बड़ी मेहनत लगी। अच्छा, सोलराइजेशन जिसको बोलते हैं, बड़ा कुछ किया जी मुझे। बहुत सब्जियों का काम अभी। हाँ। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मेरे किचन से कोई वेस्ट नहीं निकलता। अच्छा। ग्रीन वेस्ट हम एक दाना भी नहीं फेंकते। अब तो कोई बाहर भी, मेरा हाल ही है कि कोई छिलके फेंक रहा होता मुझे लगता है ये उठा लूं, मतलब कुछ कर दूं इसका, ये क्यों फेंक रहे हैं। मुझे लगता है मैं लोगों को यही सिखाऊं अब कि ये क्यों फेंक रहे हो, कितना काम का है ये कूड़ा। सब्जी चाहे कितनी भी उग रही है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि चलो अभी मेरी मिट्टी अच्छी हो रही है धीरे धीरे। तो अगली सीजन में, जैसे पिछली बारी जैसे जो अगस्त में उगाया जब प्रवीण जी को मिले, उसमें से भी तो बहुत थोड़ा, कभी 4-6 भिंडी उग गई, करेले हमने फिर भी खाए देर तक, और कभी 2-3 तोरी उग गई, छोटा मोटा घिया टिंडा और निकल आया। शुरू में ऐसे ही हो रहा था। तो कभी कभी डिसहार्टन हो जाती थी, फिर लोगों को सुनती थी वहाँ ग्रुप में कि नहीं ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, कोई बात नहीं। फिर मैं लगी रही, लेकिन लगे रही इस पे। आपने स्टार्ट किया। हाँ, फुल फ्लेज कैसे। हाँ हाँ, और फिर अभी चल रहा है जनवरी फर्स्ट वीक है। हाँ हाँ हाँ, लगभग कितना, 4-5 महीने। आप देखो, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरी मिट्टी जीरो थी। तो अभी जितना भी उग रहा है,
एक्चुअली ये जो कैबेज है ना, इससे मैंने, मुझे बहुत ज्यादा वो हुआ, नहीं एक्चुअली हमने 6 साल से कैबेज नहीं खाई है। अच्छा, जब से वो कीड़े का सुनते ना, हम कैबेज नहीं बनाते घर में। और मन इतना करता था खाने का, जब ये ऑर्गेनिक सुना तो मेरे को लगा कि इसको घर में उगाना चाहिए, बस मैं कैबेज से शुरू हुई फिर। और ये, तो कौन सा प्लांट? ये मिर्ची है, ये हरी मिर्ची है। हाँ, क्या बात है, मिर्चियाँ बहुत सारी हैं। मिर्ची के आपने बहुत सारे पेड़ लगा? हाँ, बहुत जो भी देखा मिर्ची और टमाटर। टमाटर नहीं, पहले मैंने बहुत कुछ लगा लिया एक्चुअली। अच्छा। फिर उन्होंने बोला अब इतना सब कुछ लगाओगे तो हर चीज थोड़ी थोड़ी मिलेगी ना, सब कुछ कितना मिलेगा। तो अब ये टमाटर है, ये अब मैंने वो जो पहले मूली वगैरह निकाल ली ना, अब वहाँ मटर डाल दिए। अच्छा, मटर भी लगा दिया? ये मटर लगा दिया, फर्स्ट टाइम मुझे दिखा है। अभी तक तो किसी ने, मैं इतना जगह विजिट किया, मटर लगाया था? मटर बहुत जगह लगा दी। अब जहाँ जहाँ वो पहले वाला निकाला, वो अगले में कुछ कुछ डालती जाती हूँ। और यहाँ पर अपने, ये शलगम है। शलगम है? हाँ, ये नहीं, ये शलगम है। ये शलगम है? हाँ। अच्छा, ये कैबेज है और इसके बीच बीच में अब मटर लगा दिया। जब तक कैबेज निकलेगी तो मटर हो जाएगा। क्या बात है। फिर जगह जो खाली बचती है ना, मैं इसमें ये पालक मेथी कुछ ना कुछ डाल देती हूँ। ये बताइए कि कैबेज के लिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कैबेज का रिजल्ट बहुत अच्छा आया हुआ, तो लोगों को आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या सॉइल कॉम्बिनेशन रखना चाहिए कैबेज के लिए? सॉइल कॉम्बिनेशन उन्होंने 5 kg सैंड वाला फॉर्मूला दिया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, उससे बहुत फर्क पड़ा। हाँ, वही सब चल रहा है इसमें, प्लस ऊपर से अपनी कंपोस्ट। और कभी कभी कुछ इसमें तो कभी कोई भगवान किसी की दया से कोई कीड़ा वीड़ा नहीं आया कभी भी। अच्छा। लेकिन टमाटर में कुछ कुछ लगा था, उसमें मैंने काफी वो डाले। और ये क्या लगा रखा है? ये मेथी, अभी ये मेथी उग रही है। ये थोड़ा बारिश हो गई ना, पानी ज्यादा हो गया इसमें। मैं देख रहा हूँ कि आपने पुरानी पुरानी चीजों का भी पूरा यूज किया हुआ है, जैसे कि वो टब है। मैंने एक्चुअली क्या हुआ, लॉकडाउन में जब ये शुरू किया था तो बाहर हम कहीं जाते नहीं थे, ठीक है, तो गमले मैंने कोई भी नहीं खरीदने गई। अच्छा। कुछ भी नहीं, और इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरे से कुछ लग पाएगा कि नहीं। हाँ। तो जो ऑनलाइन, जो घर पे जो ड्रम, ये देखो खाली पेंट वाले जितने पड़े थे ना नीचे ऊपर, जहाँ जहाँ से मुझे मिला, मैंने सब वो काट कूट के मैंने सब उसी को यूज किया लॉकडाउन में पूरा यूज। और लॉकडाउन में मैं ग्रो बैग्स मंगवा पाई, तो मैंने ग्रो बैग्स ही मंगवाए। मेरे को लगा इतना वेट भी हो जाएगा गमलों का, तो पहले ग्रो बैग से शुरू करते हैं, कुछ लगेगा तो कर लेंगे आगे। यहाँ देख रहा हूँ मूली भी आपने लगा रखा है। हाँ, मूली अभी तो 5-6 बची हैं, बाकी तो हमने हार्वेस्ट कर लिया मूली को। अच्छा। निकाल लिया। मूली की जगह पे मैं कुछ कुछ और डालते जाती हूँ साथ साथ में। साग लगा रखा है। मेथी है, ये मेथी है इसमें। अच्छा। हाँ जी, और इधर प्याज डाल दिया। प्याज भी डाला हुआ है। हाँ, क्या बात है। अब यहाँ ये कैप्सिकम है। हाँ, ये साथ में गेंदा बिंदा लगा दिया। वो बताते हैं ना प्रवीण जी के गेंदे से कीड़े नहीं आते हैं, तो मैं टमाटर के, हर टमाटरों के आसपास मैं गेंदा बीच में या तो रख दिया मैंने, जाफरी का या गेंदे का पेड़, या फिर मैंने लगा दिया इसमें। मिर्ची भी अच्छी हुई है। हूँ, मिर्चियाँ खूब हैं। हाँ, बहुत। और खाने में बहुत मजेदार है, मतलब ऐसी मिर्ची की कमाल है। एक बाइट लेके ना मिर्ची की आपको फर्क समझ में आता है। सही बात। ये प्याज बीच में लगा दिए। अच्छा। ये गेंदा है। ये प्याज, उधर लहसुन। हाँ, ये मैंने, हाँ ये मैंने सरसों उगा दिया। क्या बात है, ये तो बड़ा सही रिजल्ट आया। हाँ, ये बहुत अच्छी लगती है। हाँ, ये पुदीना, ये बीट रूट है, चुकंदर है, और बीच बीच में मैंने प्याज लगा दिया। पूरा कॉम्बिनेशन आपने किया है, आपने सब चीज का यूज कर लिया। हाँ, ये इसके सैपलिंग्स अभी बचे हुए हैं, ब्रोकली के सैपलिंग्स आपने वो डिस्पोजल पे भी लगा दिया? हाँ, इन्हीं में जो मिलता है, जो मिलता है। मैं कुछ भी फेंकती नहीं हूँ, किसी तरह का डिब्बा बर्तन में कुछ भी फेंकती नहीं हूँ। ये क्या? कौन? ये है चुकंदर और ये है शलगम बीच में, और बीच में जहाँ जगह बची पालक डाल दिया। तो कितना टाइम लग गया रिजल्ट आने में? मतलब ये अगर मैं बोलूं चुकंदर को, अगर होने में ये हो गया, इसको 2-2.5 महीने तो हो गए, 2 महीने हो गए मेरे ख्याल से लगाए। हाँ, 2 महीने हो गए। अच्छा, अच्छा। हाँ, पर लेकिन अब हो गया मेरे ख्याल से, रिजल्ट आने लग गया। हाँ, निकाल के देखें कोई? हाँ, निकाल के दिखाइए एक। अभी मैं सोचती हूँ अगली बारी कोई बात नहीं, थोड़े बेटर हो जाएंगे। हाँ। है ना, अभी तो कुछ दिन और छोड़िएगा तो और बड़े हो जाएंगे इस साइज में। हाँ, बहुत ही सही है। अभी हम इनके पत्ते बहुत दफ़ा
हार्वेस्ट करके अपनी वो बना चुके हैं उसको। पत्ते भी हार्वेस्ट पत्ते बहुत बारी मैंने किया, शलगम के पत्ते, मूली के पत्ते। हम कोई पत्ता भी नहीं फेंकते। अच्छा, जो अच्छे अच्छे पत्ते होते हैं उनको भी बना के खा लेते हैं, जो थोड़ा खराब होता है वो वापस कंपोस्ट में चले जाते हैं। अच्छा मैम, अगर सपोर्ट की कितनी जरूरत पड़ती है फैमिली की, अगर बहुत है बहुत है क्यों बेचारे मेरे फैमिली वाले हैं, जब देखा कुछ भी नहीं उग रहा, किसी ने मुझे कुछ कभी कहा नहीं। अच्छा। फुल सपोर्ट दिया मुझे। तो मुझे दिख रहा है कि हाँ, दो छोटे छोटे ये बच्चे हाँ ये जब आते हैं ये इनकी तो मॉरल सपोर्ट बहुत है मुझे। अच्छा। हाँ तो ये भी गार्डनिंग में हेल्प करते हैं। बिल्कुल गार्डनिंग में हेल्प करते हैं। तो क्या आज निकालने वाली हो? मूली। नाम क्या है आपका? गौरी। गौरी और आपका? आद्या। आद्या, तो गौरी एक निकालेगी मूली और एक आद्या निकालेगी। चलो पहले ये वाला, पहले ये निकालेगी छोटी। आ जाओ। क्या बात। अब गौरी निकालेगी। जितना बड़ा ग्रो बैग हम ले लेंगे उतना होगा। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मुझे एक्चुअली कुछ आइडिया नहीं था कि ये मोटी ज्यादा नहीं टूटी है कि हाँ टूटी लग नहीं टूटी नहीं थोड़ा सा टूटी नहीं है पर ये है ही मोटी और छोटी। मोटी और छोटी। ये बायो एंजाइम्स हैं, ये भी प्रवीण जी ने बनाना सिखाया था। अच्छा। ये जितने भी हमारे घर के किचन वेस्ट है, लेमन पील है, ऑरेंज पील है, ये मैंने बनाया है एलोवेरा से। ये एलोवेरा का है? हाँ हाँ। अच्छा। ये लेमन पील है, ये ऑरेंज पील का है, जितनी भी तरह का वेस्ट है कुछ भी हर तरह का एंजाइम बन जाता है उससे। अच्छा। और 3 महीने में बन के तैयार होता है, उसके बाद में प्लांट्स के लिए मतलब रियली प्लांट्स के लिए हेल्पफुल होता है। हाँ बहुत होता है। और मैं देख रहा हूँ कि आपने पूरा मतलब कि बहुत हर तरह के बनाए हुए हैं। ये सभी जैसे किचन वेस्ट जो छिलके हैं ना बहुत सारे, ये उसी का बना हुआ है। अब इस पर डेट डाल के रख लेते हैं ना। अच्छा। तो ये हाँ बिल्कुल, इसके बिना तो फिर पता नहीं चलेगा ना कि कौन सा कब रेडी होगा। तो प्लांट के टमाटर के प्लांट के इसी के बारे में बात कर रही थी आप? हाँ हाँ हाँ, ये मेरा प्राइस पोजीशन है ये। एक्चुअली मैंने सबसे पहले कंपोस्ट मैंने इसमें बनाया। अच्छा। और फिर जो किचन वेस्ट से बनाया मैंने, ठीक है, और मैंने उसी में थोड़ी मिट्टी ऐड करके तो ये मैंने इसमें सैपलिंग इसका लगा दिया। हाँ। और देखो इसका कमाल देखो ना, पत्ते इतने इतने बढ़िया, इतने पत्ते इतना इस प्लांट में, एक अकेले में कभी नहीं कोई इंसेक्ट का वो अटैक हुआ कुछ भी नहीं हुआ कभी। सबसे ज्यादा हेल्दी प्लांट भी यही ये सबसे हेल्दी है। सबसे हाँ 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 बिल्कुल हाँ बिल्कुल सही। हाँ इस तरह देख रहा हूं कि इधर भी सब टमाटर के ही है, क्योंकि टमाटर मेरा बहुत ही अच्छा वो ग्रोथ हुई थी जब मैंने सीड्स डाले थे। तो वहां से टमाटर, तो ये सब टमाटर, ये भी सब टमाटर है इधर। तो ये मैम आपने लगा रखा, धनिया लगा रखा? हाँ जी ये धनिया है। क्या बात है, ये तो 2-3 बार हार्वेस्ट हो चुका है इसमें से। हाँ बहुत पूरा ऐसे भरा हुआ था एकदम। और ये साथ में सरसों है, सरसों है। अब इन अभी ऐसे खाली सीड्स ही बनेंगे इनके। ओके, क्या बात। और ये आपने लगा रखा है गाजर? ये गाजर है। क्या बात है। और ये मूली है। गार्डनिंग के लिए डेडिकेशन, गार्डनिंग के लिए डेडिकेशन और पेशेंस, ये दो चीजें क्या आपको लगता है जरूरी है या नहीं है? ये बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। पेशेंस तो बहुत ज़रूरी है। मैं पेशेंस नहीं रखती वैसे, मैं काफ़ी जल्दबाज हूँ, मुझे बहुत जल्दी रहती है रिजल्ट लेने की। लेकिन इस बारी जितना मेरा मैंने फेलियर जितना देखा है, तो बहुत कई बार रोना रोना सा आता था कि मैं कर क्या रही हूँ, 1 रुपये की भी सब्जी नहीं निकल रही, मैंने कितना कुछ काम कर लिया, लेकिन मैं उसमें लगे ही रही और फिर अल्टीमेटली कुछ तो रिजल्ट है। काफी अच्छा आपने, तो हाँ जो भी चीजें अपना काम और तो साथ में मैंने सीखा बहुत सारा कुछ है। अच्छा। अभी मैं किसी को कुछ गाइड करने के भी लायक हूँ, मुझे कुछ समझ में भी आता है कि हमें क्या क्या हम गलतियाँ करते हैं, हमें क्या करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि हम इसमें कोई केमिकल्स नहीं यूज कर रहे हैं, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हम जितना भी मार्केट से खरीदते हैं उसमें केमिकल्स तो है ही ना। ये बात आपने सही बोली। और ये आप करते हुए बहुत कुछ सीखने को, जो आप बता रही हैं कि बहुत कुछ सीखने को मिला है। हाँ सीखने की बहुत बड़ी बात है, इतनी सारी चीज़ें सीखी हैं, खाद बनाना सीखा, मिट्टी बनाना सीखा, एंजाइम्स बनाने सीखे, प्लांट लगाने हैं, कब ट्रांसप्लांट करने हैं, कब नहीं करने हैं, तो कौन से मौसम में क्या कैसे उनको ट्रीटमेंट देना है, ये साथ साथ सीखते जा रहे हैं, अभी बहुत कुछ है सीखने को। अच्छा
कोई खास लोग जो आपको हेल्प करते हैं गार्डनिंग में यहाँ पे? मुझे दिख रहा है कि भैया खड़े हैं आप। हाँ, ये माली भैया तो है ही, इसके बिना तो मैं नहीं कर पाती क्योंकि गमलों को। अच्छा, तो आप भी हेल्प करते हैं मैम को? अच्छा, तो ये आपको लगभग फैमिली पूरी पूरी सपोर्ट करती है? हाँ, बच्चों का तो सबका मॉरल सपोर्ट सबका है, क्योंकि इतना कुछ मैंने खराब किया, किसी ने कुछ बोला नहीं। नीचे जब ये मैंने नीचे की फ्लोर पे रखे हुए थे सारे गमले, तो सब लोग काफ़ी परेशान भी थे, गंदा भी बहुत होता था, वॉक करने की भी जगह नहीं थी, बैठने की भी जगह नहीं थी। अच्छा, तो लेकिन सब ने बड़ी शांति बनाए रखी मेरे साथ में और मुझे भी डिसहार्टन होने नहीं दिया, तो तभी मैं कुछ कर पाई। और साथ में गाइडेंस प्रवीण जी की रही है हमेशा। तो चलिए, थैंक यू सो मच मैम। अब फिर से कुछ अच्छा रिजल्ट अगर आता है तो मैं फिर से आऊंगा वीडियो बनाने। हाँ, के पक्का, लिए ठीक है, पक्का, आप मुझे कॉल कीजिए, मैं पक्का फिर से आऊंगा। मुझे दिख रहा है कि आपने बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं। फिर ये सीजन खत्म होगा, नेक्स्ट सीजन के लिए जो आपने प्लांटिंग करेंगे आप मुझे जरूर बुलाइएगा। हाँ, अब मैं पूरी प्लानिंग से और टाइम के साथ साथ अभी मैंने सोच लिया कि मैंने क्या क्या उगाना है और कैसे कैसे मैंने उसको कहाँ कहाँ लगाना है। हमने क्यारी बनाने का और उसमें क्या क्या लगाना है अभी मैंने सोच लिया कि समर्स की वेजिटेबल्स मैंने कैसे कैसे प्लान करनी है। चलिए, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू जी। तो गाइज, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं भी आपके घर पर आऊँ और इस तरह के वीडियो शूट करूँ, अगर आपने कुछ गार्डनिंग में एक लेवल अचीव किया है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।